हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रगति द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। सभी को मेरी राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उन्हीं को पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो भी हमारे रहेंगे। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें, तभी आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। आपका मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे जो पूछा था वो ये था कि IPL 2022 किस देश में खेला जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, भारत। भारत में IPL 2022 खेला जाएगा। एक ये क्वेश्चन पूछा था, चार और पूछे थे। आपके क्वेश्चन थे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल टेनिस में गोल्ड किसने जीता था, तो ये जीता था अलेक्जेंडर जोरेव ने, इसमें गोल्ड जीता था। नेक्स्ट था केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री, तो ये कौन है, तो ये है अर्जुन मुंडा। किसके? केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वर्तमान CMD, तो वो कौन है, ये है आर माधवन। और लास्ट जो मैंने पूछा था, अमृत शहर की स्थापना तो किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी, गुरु रामदास के द्वारा इसकी स्थापना यानी अमृत शहर की स्थापना की गई थी। ये वो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे पूछे थे। अब आ जाते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस पे। इस बार मैंने वीडियो में आपके जो आप लोगों का काफ़ी था कि मैडम MP का भी करंट अफेयर, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं MP का भी जिसमें आपका कवर हो और पूरा जो भी हमारा जो चाहिए रहता है हमको वो भी कवर हो, है ना। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में CM शिवराज सिंह चौहान ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है, रख दिए कि मतलब घोषणा कर दी है कि जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल दिया गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है, टंट्या भील रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है। क्या? टंट्या भील रेलवे स्टेशन, जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदला गया है। इसके साथ साथ कुछ और चीजों के भी नाम बदले हैं मध्य प्रदेश में जो आपके लिए जानना जरूरी है। क्या जरूरी है? जैसे कि मंडला में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। क्या? मंडला में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा जिसका नाम राजा हृदय साय मेडिकल कॉलेज होगा। क्या होगा? राजा हृदय साय, तो ये करंट में है इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर का नाम क्या होगा, टंट्या भील स्वास्थ्य केंद्र होगा। इंदौर स्थित भवरकुआ, भवरकुआ का भी नाम बदला जा चुका है तो इसका नाम क्या हो गया, टंट्या भील चौराहा होगा। अब भवरकुआ चौराहा नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, टंट्या भील चौराहा। अब लेकिन इतनी जल्दी नाम जुबान पे तो आएगी ही नहीं, है ना। हाँ बट कोई नहीं, भवरकुआ की तो बात ही अलग है। चलो नेक्स्ट क्या है, इसी प्रकार इंदौर में जो MR10 है, MR10 कहाँ पड़ता है, तो MR10 पड़ता है MR9 के पास। MR9 कहाँ पड़ता है, तो विजयनगर के पास। तो ये MR10 का भी नाम, बस स्टैंड जो है इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, टंट्या भील बस स्टैंड किया जाएगा। ये सारे नाम बदले जाएंगे तो आपको याद रखना है, और साथ साथ ये भी याद रखना है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला जा चुका है और क्या हो गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले से बैगा योजना डिजिटल शुभारंभ किया है, बैगा योजना का, तो ये शुभारंभ इन्होंने किया है किस जिले से, मंडला से। मंडला से बैगा योजना का शुभारंभ किया गया है। अब अगर मैं इसके डिस्क्रिप्शन यानी डिटेल को लेकर बात करती हूँ तो क्या है, ये है कि योजना में बैगा समुदाय के सभी व्यक्तियों का घर घर सर्वे कर उन्हें शासन से संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मतलब लोगों को पता नहीं चल पाता है तो वो घर घर सर्वे करेंगे और उसमें जो भी योजनाएं होंगी वो उनको बताई जाएंगी और उनको लाभ दिलवाया जाएगा। ये है बैगा योजना। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैगा संस्कृति पर प्रकाशित पुस्तक, बैगा संस्कृति पर ही एक पुस्तक है, कौन, मैं बैगा हूँ, कौन सी, मैं बैगा हूँ का भी विमोचन किया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि बैगा के नाम से बुक भी आ चुकी है। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, नाम तो सबने सुना होगा अभिनंदन वर्धमान का, हाँ, तो इनको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है, किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है परमवीर, महावीर, वीर और अशोक चक्र, तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वीर चक्र। अभिनंदन वर्धमान को अभी किस चक्र से सम्मानित किया गया है, वीर चक्र से। अब मैं बात करूं अगर किसकी,
पुरस्कार को देखो, वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार की बात करती हूँ, दो क्षेत्र में दिया जाता है। दो क्षेत्र में कहने का मतलब, एक तो शांति के क्षेत्र में, दो क्षेत्र में, एक शांति के क्षेत्र में, जो भी शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं वो भी तीन होते हैं, और दूसरा वीरता के क्षेत्र में, तो ये भी कितने होते हैं, तीन ही होते हैं। क्या? शांति के क्षेत्र में और वीरता के क्षेत्र में। बात ये आ जाती है, हाँ, युद्ध क्षेत्र जिसको आप बोलते हैं वीरता, अगर ये वीरता पुरस्कार है तो मैं यहाँ युद्ध क्षेत्र कर देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। युद्ध क्षेत्र में भी तीन और शांति क्षेत्र में। इसमें जो आते हैं वो आते हैं आपके अशोक चक्र, शौर्य चक्र, आप लोगों ने सुने होंगे कि नहीं, ये सम्मान होते हैं, ये दिए जाते हैं, अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र। जो सीक्वेंस से बता रही हूँ उसी से इनकी क्या है, बड़ा, अगर सबसे बड़ा बात करूं शांति के क्षेत्र में तो कौन सा सम्मान है, अशोक चक्र। अशोक के बाद कौन सा आता है, अशोक के बाद आता है शौर्य चक्र। कौन सा? शौर्य चक्र। इसके बाद आता है और लास्ट होता है कीर्ति चक्र। ये तीनों जो चक्र हैं ये दिए जाते हैं शांति के क्षेत्र में, और इसमें भी जो युद्ध क्षेत्र में दिए जाते हैं तीन, कौन कौन से? एक जो अभी मैंने आपको बताया, वीर चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। ये सीक्वेंस से लिखे हुए हैं, परमवीर सबसे बड़ा, फिर इसके बाद महावीर और फिर वीर चक्र, मतलब ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय। तो वर्धमान जी को अभी कौन सा दिया गया है, वीर चक्र। अब मैं बात करूं कि किसके लिए दिया गया है, तो जब बात आई थी किसकी, हमले की, किसके हमले की, पाकिस्तान ने प्लानिंग बना रखी थी एक हमला करने की, ऐसा बोला, MiG-21 जो वर्धमान जी चला रहे थे एरोप्लेन, कौन सा? MiG-21। और ये जो पाकिस्तानियों के पास था वो कौन सा था, तो F-16 क्या था, नई टेक्नोलॉजी पे डेवलप ये था एरोप्लेन, और जो MiG-21 था वो कम से कम आज से 30-35 साल पुराना मॉडल था, है ना। तो इनको ये इसीलिए दिया गया कि इन्हें इतने पुराने मॉडल से इतने नए मॉडल को कैसे बहिष्कृत किया, मतलब कैसे इसका इसको रोका और कैसे इसको नष्ट किया, इसीलिए अवार्ड इनको दिया गया है। अगर मैं बात करूँ इसकी F-16 की कि ये पाकिस्तानियों के पास कहाँ से आया, तो ये इसे दिया था USA ने, कौन सा? F-16, है ना। तो ये याद रखना क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। चलिए, चक्र आपको आ गया समझ। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कहाँ पर 2 दिवसीय बूंदी महोत्सव, बूंदी उत्सव ये जो है ये 2 साल अभी नहीं मना है कोरोना की वजह से, और अब मनाया गया है, 2 दिन का ये उत्सव था, तो ये कहाँ मनाया गया है, राजस्थान। कहाँ? राजस्थान में मनाया गया है 22 से 23 नवंबर, 22 और 23 नवंबर को बूंदी महोत्सव मनाया गया है, वो भी कहाँ मनाया गया है, तो राजस्थान में। तो आपको ये याद रखना है, इसमें क्या होते हैं, कला कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है इस उत्सव में। 2 साल से नहीं मना था, बहुत बढ़िया रहा कि अब मनाया गया, मतलब काफी उत्साहित थे इसमें लोग। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव है, किस राज्य की सरकार ने 3 राजधानियों की स्थापना वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल। अभी हाल ही में ऐसी घोषणा की गई थी कि 3 जो हमारे राज्य हैं उनको कानून आया था कि उनको क्या बनाया जाएगा, राजधानी, लेकिन अब उस कानून को वापस ले लिया गया है, जैसे कृषि कानून वापस हुआ वैसे ये भी हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी सरकार ने घोषणा की है, तो आंध्र प्रदेश के सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने कौन कौन सी ये राजधानी बनाने वाले थे, तो इनकी थी विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल, ये 3 राजधानियां बनाने वाले थे, लेकिन अब इन्होंने जो ये कानून है वो वापस ले लिया है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो ये कानून 2020 में पारित किया गया था, इसके तहत आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां कौन कौन सी, कुरनूल, अमरावती और विशाखापट्टनम बनाई जानी थी, जो अभी क्या हुआ है, हाल ही में वापस हो गया है। विशाखापट्टनम, इसको अगर बात करूं कि इसको याद रखने की चीज ये है, अभी हाल ही में कि यहाँ 18वां रेलवे जोन बनाया गया है हेडक्वार्टर, क्या? 18वां, तो इसको याद रखना कि विशाखापट्टनम में ही बनाया गया है लास्ट, है ना, इसीलिए आपके लिए जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। सबसे पहली बात कि ये जो दर्जा देता है तो वो कौन देता है, गृह मंत्रालय, है ना। तो किस पुलिस स्टेशन को दिया गया, तो ये दिया गया दिल्ली की सदर बाजार पुलिस स्टेशन को। कहाँ की? दिल्ली की सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है।
तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। और अगर मैं बात करती हूँ कि ये लिस्ट अभी जैसा कि बताया गृह मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, इसको 10 पुलिस स्टेशनों में क्या होती है सूची सालाना जारी की जाती है, मतलब कंपैरिजन जो होता है 10 पुलिस स्टेशनों की इसमें सूची जारी की जाती है, कौन टॉप में है और कौन सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये इसकी क्या होती है लिस्ट जारी की जाती है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा पुलिस स्टेशनों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। अब इसको टॉप बताया किसने कि ये मतलब समीक्षा किसने की, तो की है किसने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने, तो ये याद रखना है। अब टॉप में है आपकी सदर बाजार पुलिस स्टेशन यानी दिल्ली का उत्तरी जिला, गंगापुर पुलिस स्टेशन गंजम जिला ये कहाँ है सेकंड नंबर ओडिशा, थर्ड है भट्टू कलाम थाना फतेहाबाद जिला यानी हरियाणा, ये तीन जो हैं वो टॉप में चल रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि फर्स्ट पूछते हैं और टॉप में पूछ लेते हैं कभी कभी कि सेकेंड कौन है, क्योंकि फर्स्ट तो मोस्टली याद कर लेते हैं इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, आपके ऑप्शंस 1, 4, 2, 7, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है 7, 7 मेडल्स जीते गए हैं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की तरफ से, और इसके साथ ये जो इंडिया है वो कौन से में नंबर पे रहा सेकंड, कितने सेकंड पे। अब आगे अगर मैं बात करती हूँ कि 7 मेडल जीते गए, लेकिन कौन कौन से जीते गए, तो ये जीते गए कौन कौन से, 1 गोल्ड 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, क्या 1 गोल्ड 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज इसमें मेडल्स जीते गए। इसका आयोजन कहाँ हो रहा था, ढाका बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जहां आयोजन हो रहा था बांग्लादेश तीसरे नंबर पे रहा, और फर्स्ट पे कौन रहा, तो फर्स्ट पे रहा दक्षिण कोरिया, कौन दक्षिण कोरिया 15 मेडल के साथ क्या रहा इस टेबल में, फर्स्ट इंडिया सेकेंड और थर्ड बांग्लादेश, तो ये याद रखना है आपको। और अब 1 गोल्ड जो मिला है इंडिया को वो किसने जीता है, तो ये जीता है ज्योति सुरेखा बेन्नाम ने, महिला व्यक्तिगत कंपाउंड इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है इसीलिए आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं, तो आईसीसी के जो ये नए सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं, जॉफ एलार्डिस, ये आपके सामने कौन है जॉफ एलार्डिस आईसीसी के नए सीईओ बने हैं, ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो ये करेंगे मनु साहनी को, जिन्होंने अपना क्या दिया था इस्तीफा दिया था मनु साहनी ने, इसके पहले अध्यक्ष थे लेकिन अब कौन हो गए हैं जॉफ एलार्डिस। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि किसके द्वारा इनको नियुक्त किया गया, तो आईसीसी के द्वारा जॉफ एलार्डिस 8 महीने से अधिक समय से अंतरिम सीईओ के रूप में कार्यरत थे, मतलब इससे पहले ये अंतरिम सीईओ थे अब लेकिन फाइनली क्या हो गए सीईओ, कौन जॉफ एलार्डिस, तो इसीलिए याद रखना सब जरूरी है। और किसको रिप्लेस किया है, तो मनु साहनी को, जिन्होंने जुलाई 2021 में ही क्या दे दिया था अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तभी ये आ गए थे अंतरिम रूप में, कौन जॉफ एलार्डिस। ठीक, फिर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और प्रशासक एलार्डिस 8 साल तक आईसीसी के महाप्रबंधक क्रिकेट थे, मतलब समझ में आया आपको, ये आईसीसी 8 साल तक चले थे इसमें, क्या 8 साल से क्या थे ये, तो महाप्रबंधक थे किसके आईसीसी के, तो ये था आईसीसी स्थापना आपको याद हो गई होगी आई थिंक, कब हुई थी 1909 में, कई बार बता चुकी हूँ अब तो याद हो जानी चाहिए, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, मुख्यालय दुबई यूएई में है, और अध्यक्ष की अगर बात करूँ तो कौन है ग्रेग बारकले, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है, हाल ही में किसने कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता है, कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021, तो ये जीता है सर लुइस हैमिल्टन ने। देखो लुइस हैमिल्टन के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, ये ग्रेट ब्रिटेन से हैं, कहाँ से ग्रेट ब्रिटेन से हैं, और ये मर्सिडीज यानी फॉर्मूला 1 F1 के ड्राइवर हैं, और क्या चला कौन सी कार चलाते हैं, तो मर्सिडीज, तो ये भी याद रखना है। और ग्रेट ब्रिटेन के ही द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, याद है कि नहीं, हाँ नाइटहुड की उपाधि जो है इन्हें ग्रेट ब्रिटेन के ही द्वारा दी गई है, तभी इन्हें क्या बोलते हैं सर लुइस हैमिल्टन, क्या बोलते हैं सर लुइस हैमिल्टन, तो आपको ये याद रखना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है,
अब इन्होंने सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा फॉर्मूला वन रेस जीतने वाले खिलाड़ी हैं, कौन? सर लुईस हैमिल्टन। इन्होंने 30 अलग अलग सर्किट में जीतने वाले पहले ड्राइवर बन गए, मतलब एक साल में 30 प्रतियोगिताएं होती हैं और इन्होंने 30 भी जीती हैं, तो ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये याद रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कमाल कमाल कर रहे हैं ना, और क्या, सारे जीत ही तो रहे। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो मैक्स वर्स्टैपन, जो रेडबुल के ड्राइवर और नीदरलैंड से हैं, और दूसरे और फर्नांडो अलोंसो जो अल्पाइन से स्पेन के हैं, तीसरे स्थान पर रहे हैं। दूसरे पे रहे, फर्स्ट पे लुईस हैमिल्टन, दूसरे पे मैक्स वर्स्टैपन और तीसरे पे रहे हैं फर्नांडो अलोंसो, तो इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है, एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, ये किस देश के हैं? काफ़ी फेवरेट रहे हैं ये सभी के, इंडियंस में भी मतलब फैन हैं इनके, एबी डिविलियर्स के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। तो इन्होंने अभी सभी प्रारूपों से क्या है, संन्यास ले लिया है। कहने का मतलब इन्होंने संन्यास की घोषणा 2018 में ही कर दी थी, लेकिन आईपीएल में खेलते थे, और आईपीएल में किस टीम से थे, तो आरसीबी की, किस टीम से थे, आरसीबी से थे, और इंटरनेशनल मैचों से इन्होंने 2018 में ही क्या ले लिया था, संन्यास। तो ये कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के, ये रहे आपके सामने एबी डिविलियर्स। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ इनके करियर, आपके रिविजन को लेके, कि अब क्या है आपका रिवीजन, यहाँ 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, अब आपको 10 क्वेश्चन का मैं रिवीजन कराऊंगी, और लास्ट में मैं आपसे फिर से क्या पूछूंगी, कुछ क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है, घोषणा की है टंट्या भील रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले से बैगा योजना डिजिटल शुभारंभ किया है, तो ये किया है कहाँ, मंडला में। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान वीरता का तीसरा, यानी युद्ध क्षेत्र में दिया जाने वाला वीरता का तीसरा सम्मान यानी वीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर 2 दिवसीय बूंदी उत्सव, तो ये मनाया गया है राजस्थान में, 2 सालों से ये अभी नहीं मनाया गया था। किस राज्य सरकार ने 3 राजधानियों की स्थापना वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की है, तो ये की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो 3 राजधानियां इनको बनानी थी, उनको कानून जो है वो वापस ले लिया है। चलिए, गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को, तो ये दिया गया है दिल्ली की सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा, जो देता कौन है, गृह मंत्रालय। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते, तो 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी टोटल 7 यानी 7। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं जॉफ एलार्डिस, मनु साइनी को ये रिप्लेस करेंगे। हाल ही में किसने कतर ग्रैंड प्रिक्स तो नाइटहुड की उपाधि इन्हें दी गई थी, इसीलिए इनको सर लुईस हैमिल्टन बोला जाता है। एबी डिविलियर्स काफी फेवरेट हैं, जो कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन कौन बनी है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शंस हैं, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हो जाती हूँ। और 4 क्वेश्चंस और भी हैं आप लोगों के लिए, तो वो क्वेश्चंस भी आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चंस हैं आपके, भारत के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है, बताया भी था, मतलब बताया तो सारे थे, वही क्वेश्चन पूछती हूँ जो बता चुकी हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट है, एसआईटी वीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और लास्ट है, देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन बना है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए आपको आंसर्स देने हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अच्छे से। ले लिया, चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या करना है, वीडियो अगर अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दूसरी बात ये कि कुछ दिनों की छुट्टी पर हूँ मैं, तो आप लोग ऐसा करें कि जो भी अभी तक जो भी वीडियोस बने हैं उनको एक बार रिवाइज कर लें, जिससे अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे जाएँ या आपकी एग्ज़ाम में आने वाले हों तो आप
कर सकें। बाकी मैं 5 से 6 दिन बाद आऊंगी वापस, कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लास। तो जय हिंद जय भारत।